साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथोराइज, जे क्लस्टर, सिलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नियत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए, बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। और इसलिए हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रिया पूरी की। और अभी अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का यह फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला है।